नमस्कार, आप देख रहे हैं द डीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। उत्तर प्रदेश का पहला फेज का चुनाव समाप्त हो चुका है और दूसरे फेज में 55 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस वक्त हम देवबंद विधानसभा क्षेत्र में। मुद्दा बस साइकिल को जिताना है, हमारा मुद्दा यही है, साइकिल को जिताना है। चलिए, वोट दे दिया? जी सर, ठीक है। अभी निशान दिखा दीजिए सामने। अभी जी मुद्दा क्या था? बेरोजगारी जी, महंगाई और भ्रष्टाचार को मिटाना है, नया भारत बनाना है। कौन कर सकता है? अकेले भैया कर सकते हैं सर, और कौन? और तो कोई ऑप्शन है नहीं फिलहाल। अच्छा जी, चलिए और भी लोग हैं। वोट दे दिया? निशान एक बार दिखा दीजिए। मुद्दा क्या था? मुद्दा जी बस मुद्दा यही है, चुनाव सही होने चाहिए जी। बढ़िया। अच्छा, वोट दे दिया आपने? जी दे दिया वोट मैंने। निशान एक बार दिखा दीजिए। जी निशान ही रहा। मुद्दा क्या था आपका? मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी है, महंगाई है, रोजगार नहीं है, भुखमरी से लोग मर रहे और देश का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। कौन करेगा देश? इस देश का विकास जो है अखिलेश यादव कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ टाइम बचा है लोगों के पास, अगर समझ जाए तो अभी भी टाइम है, थोड़ा सा समझ लें तो बहुत फायदा हो सकता है। चलिए और भी लोग हैं, वोट दे। क्या वोट दे दिया आपने? यस। ये थोड़ा सा निशान दिखा दीजिए इस तरफ। आ निशान एक बार दिखा दीजिए। मुद्दा क्या था आपका? क्या सोच के मतदान करने आए थे? महंगाई कह दो। महंगाई भी है और बेरोजगारी। देखो, ये हमारी सबसे पहली तो बात ये है कि हम इस देश के अंदर रहते हैं, ये हमारा अधिकार है जी, कि हमें वोट देना ही है अपना अच्छा एक नेता चुनने के लिए। तो हमने ये सोच कर अपना अच्छा। ये तो नहीं है, जाहिर जो भी हो जाए, जो पब्लिक के लिए अच्छा हो, जनता के लिए, वही अच्छा है। चुनाव तो सभी। चलिए, आपने दे दिया जी। तो एक बार निशान दिखा दीजिए जी। क्या मुद्दा था आपके लिए? एजुकेशन, बेरोजगारी, महंगाई, यही मुद्दा रहा जी। यही मुद्दा रहा बच्चों की, दो साल हो गया बच्चों की लॉकडाउन, पढ़ाई कुछ नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन में जब छोटे बच्चे नहीं समझ पाते, ऑनलाइन में क्या समझेंगे। आप लोग चल जाइए, चल जाइए जी। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। वोट दे दिया जी? हाँ वोट दे दिया। निशान दिखा दिया। लेकिन महंगाई का समय में नहीं आ रहा है, महंगाई का कहाँ तक जाएगी, गरीब आदमी कैसे जिंदगी गुजारेगा? हाँ, गरीब आदमी तो फिलहाल मरता जा रहा बेचारा और मर रहा। पेट्रोल का देख लो, अब दाल का देख लो, तेल का भाव देख लो, गैस सिलेंडर का भाव देख लो, 400 था, आज 1000 रुपये को पार कर रहा, कहाँ जाएगा? सरकार को सोचना चाहिए आम आदमी के बारे में। तमाम लोग का कहना है कि परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, और भी लोग वोट दे के आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वोट दे दिया आपने? निशान एक बार दिखा दीजिए। तो मुद्दा क्या था आपका? मुद्दा तो मेन मुद्दा तो भाई विकास का ही है जी। विकास जी, विकास हुआ है? विकास उतना नहीं हुआ जितना पब्लिक चाहती थी बीजेपी के राज में, और बाकी यह है कि राजनीति धर्म को लेके भी हुई है, हाल फिलहाल आपने देखा है हिजाब को लेके, कभी हिंदू मुस्लिम को लेके, तो उसके अगेंस्ट जाते हुए हमने अपनी पार्टी को चुना है और वोट दे के आए। हिजाब को भी जहन में रख के मतदान? बिल्कुल बिल्कुल, हिजाब क्या और आपका NRC हो गया जी, किसानों के मुद्दे हो गए जी, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी पार्टी को वोट दिया। जिस तरह से लगातार सुबह से योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू आया है, जिस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले चरण में भी 80-20 की लड़ाई थी, इस बार भी 80-20, दूसरे चरण में भी 80-20 की लड़ाई है, तो कैसे देखते हैं पूरे मामले को? ये बात देखिए, हर पार्टी, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वो अपने आप को डाउन दिखाए जी, हर पार्टी ये चाहेगी कि हम अपने आप को अप दिखाएं, तो वो वही कहेंगे कि 80-20 की लड़ाई है। एक तरफा किसकी सरकार है? देखें इंशाअल्लाह, एक तरफा जो है अखिलेश की साइकिल की सरकार बनेगी। अच्छा चलिए, और भी लोग हैं, वोट दे दिया आपने जी? एक सेकंड लग जाए, निशान दिखा दीजिए सामने। क्या सोच के मतदान किए भाई? अखिलेश जीतेगा आपके? अखिलेश जीतेगा सीधे जी, सीधे जी। चलिए, महिलाएं हैं वोट दे के आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मतदान केंद्र तक आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वोट दे दिया आपने जी? एक बार आगे आ गया। क्या निशान दिखा दीजिए? क्या सोच के मतदान किए? महंगाई, बेरोजगारी, क्या बस यही, बहुत महंगाई हो रही, बहुत महंगाई हो रही जी, कम होनी चाहिए। अब क्या नाम यह है कि क्या नाम गरीबों का घर बन जाए जी, जैसे हमसे वाले हमारे घर नहीं है जी, इसलिए इसलिए तो जी परिवर्तन के लिए वोट किया जी। चलिए धन्यवाद।
और तमाम लोगों से जो बातचीत कर रहे थे, लगातार लोगों का भी यही कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, तमाम बड़े मुद्दे के ऊपर लोग बातचीत कर रहे हैं, मगर योगी आदित्यनाथ की सुबह से एक इंटरव्यू के बाद लगातार घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है, मगर जनता यहाँ पे 80-20 को नहीं देख रही है। अब बेरोजगारी, शिक्षा, ये सारे मुद्दों पर जो है बातचीत कर रही है। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहिए द डी के न्यूज़।